अगर आपको सोना बहुत पसंद है, छक्की लेना आपकी फेवरेट हॉबी है, तो आपके लिए खुशखबरी है। हार्ट नाम के जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि वैसे लोग जो दिन के समय झपकी लेते हैं या सो जाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आने का खतरा कम हो जाता है। स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ लॉसेन की रिसर्च टीम ने एक स्टडी की और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वैसे लोग जो हफ्ते में एक या दो बार दिन के समय सोते हैं, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 50% तक कम हो जाता है उन लोगों की तुलना में जो दिन में बिल्कुल नहीं सोते। इस स्टडी के अनुसंधानकर्ताओं ने 35 से 75 साल के बीच 3,462 स्विस अडल्ट्स की गतिविधियों को करीब 5 साल तक ट्रैक किया। जब यह स्टडी शुरू हुई उस वक्त स्टडी में शामिल करीब 58% प्रतिभागियों ने कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह दिन के समय झपकी नहीं ली थी, जबकि 19% ने कहा कि उन्होंने एक या दो बार झपकी ली। करीब 12% ने 3 से 5 बार और 11% ने 6 से 7 बार झपकी ली। स्टडी के खत्म होने तक अनुसंधानकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि वैसे लोग जिन्होंने हफ्ते में एक या दो बार दिन के समय झपकी ली या सोए, उनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर का खतरा 48% तक कम हो गया उन लोगों की तुलना में जो दिन के समय पूरे हफ्ते बिल्कुल नहीं सोए। ये स्टडी ऑब्जर्वेशनल थी, यानी कि अनुसंधानकर्ताओं ने इसके कारण और असर पर कोई स्टडी नहीं की। आखिर क्यों दिन में कभी कभार झपकी लेना हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है? हालांकि स्टडी के लीड ऑथर की माने तो झपकी लेना दिन के लिए इसलिए अच्छा माना जा सकता है क्योंकि नींद पूरी न होने पर जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है वो दिन में झपकी लेने से कम हो जाता है। हालांकि कितनी देर तक सोना है या झपकी लेना है इस बारे में इस स्टडी में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन नेशनल स्लीप फाउंडेशन की माने तो दिन के वक्त 20 मिनट की झपकी काफ़ी है। इससे आपका मूड बेहतर बनाने के साथ आपको और ज़्यादा अलर्ट बनाने में ये झपकी आपकी मदद करती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।